हाय व्यूवर्स, मैं हूं इमरान खान एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज हम शेयर करने वाले हैं बिंगो सर्कस की। तो बिंगो सर्कस के बारे में आज आप कुछ डिटेल में आपके साथ में वीडियो के द्वारा हम शेयर करेंगे कि ये शो जो है दिन में 2 घंटे का शो होता है। इसका टाइमिंग जो है 3 शो दिन में एवरीडे में दिखाया जाता है, जिसका फर्स्ट टाइमिंग जो है 1 बजे से शो स्टार्ट होता है। उसके बाद में सेकेंड शो जो होता है वो 4 बजे के करीब में होता है, और उसके बाद में थर्ड शो जो होता है लेट इवनिंग में शाम के 7 बजे होता है। इसके टिकट चार्जेस की बात करें दोस्तों, तो बिंगो सर्कल का जो चार्जेस है, जो सबसे हाई टिकट है, एक ग्रेड की टिकट है जिसको बिंगो सर्कल कहा जाता है, वो 400 रुपये की है। उसके बाद में जो गोल्ड क्लास आता है वो 300 रुपीज़ का है, और फिर उसके बाद में एक आता है स्पेशल क्लास, वो 200 रुपीज़ का है, और लास्ट में जो इनका टिकट प्राइस है सेकेंड क्लास का, जो 100 रुपीज़ का है। तो दोस्तों, अगर 3 साल के ऊपर के बच्चे हैं तो उनका फुल टिकट चार्ज किया जाता है, 3 साल से नीचे के बच्चों का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो ये जो आर्टिस्ट है, ये सब यूटोपिया के बेस्ट आर्टिस्ट है, जिसमें एक्रोबैटिक्स सारे सर्कस दिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए फिर हम वीडियो में देखते हैं कि ये किस तरीके की सर्कस हमको दिखाते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन और एंटरटेनमेंट एंड कंप्लीट फैमिली पैकेज है। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी अगर ये सर्कस लगता है तो आप ये सर्कस जो है ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इनसे इनकी रोज़गारी में मदद मिलती है। जो ये आर्टिस्ट है, इनसे इनकी रोज़गारी में मदद मिलता है। मूवी थिएटर ये सब ना जाए, बल्कि इन आर्टिस्टों को आप लोग सपोर्ट करें, जाकर ये सर्कस देखें, तो इनसे इनकी रोज़गारी में मदद मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट। Losing control, oh.
We'll be right back.
तो दोस्तों हम अभी अपने सर्कस के लास्ट सेगमेंट्स में हैं, जिसको मौत का कुआं कहा जाता है। एक छोटा सा आयरन रिंग है, इसमें दो बाइकर्स अपनी कलाबाजी का मुजाहिरा करेंगे। तो देखिए किस तरीके से ये बैलेंसिंग एक्ट है, अब देखते जाइए इस एक्ट को। तो व्यूवर्स, ये रहा आज का हमारा बिंगो सर्कस का सफ़र। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, और सबसे ज़रूरी बात, अपने आसपास के गरीब और मोहताजों को, एक कोई भी पर्सन को आप खाना ज़रूर खिलाएं। टिल देन, बाय बाय।